नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज हार्ड एंड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज डबल देन द कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमें बताना है ऑप्शनस है डिक्रीजिज टू टाइम्स इंक्रीजेस टू टाइम्स इंक्रीजेज फोर टाइम्स रिमेन्स द सेम बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पे अपने को बेसिक क्लियर uh, होने चाहिए कैपेसिटेंस जो हम किसी भी उसका कैपेसिटर का, का लिखते हैं अगर तो एयर कैपेसिटर है उसको हम लिखते हैं एफ्सलॉट ए बाई डी और कोई कैपेसिटर है जिसके अंदर मीडियम है आ, तो उसको हम लिखते हैं सी मीडियम उसको हम लिखते हैं नॉट के ए डिवाइडेड बाय डी नाउ ये उसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस था अब हमने यहाँ क्या किया है कि उसके अंदर आपका पैलर पे डिस्टेंस डिस्टेंस हमने आधा कर दिया है और साथ के साथ डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट डबल कर दिया है सो तो यहाँ पे अगर हमने ये आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस था सी डैश जो हुआ आपका वो हो गया नॉट के को हमने डबल किया टू के ए डिवाइडेड बाय डी बाय टू तो ये बन गया फोर टाइम्स एप्स नॉट के ए डिवाइडिड बाई डी ये आपका औरिजिनल है सो so ये हो गया फोर सी विच मीन्स हमारा कैपेसिटर फोर टाइम्स इंक्रीज हो गया एंड हैंस ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजेज फोर टाइम्स वुड बी द राइट आंसर